नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस का एक खास शो जिसमें हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़े मुद्दों का। बढ़ते हैं आज के शो की ओर और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। क्रिकेटर बिल्डर मुनाफ पटेल की कंपनी निवास प्रमोटर्स पर यूपी रेरा की कार्रवाई। कंपनी के दो खाते सीज कर जब्त की गई 52 लाख रुपए की रकम। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 10 में प्रोजेक्ट वन लीफ ट्राई के डिले का मामला। कंपनी अतिरिक्त समय पाने के बाद भी नहीं पूरा कर सकी प्रोजेक्ट। 2022 में खत्म हुई रेरा पंजीकरण की म्याद। दुनिया भर में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में 2022 के दौरान दर्ज हुआ $5.1 बिलियन का निवेश। पी इन्वेस्टमेंट में ऑफिस सेक्टर पर दिखा सबसे अधिक फोकस। 29 में से 11 डील्स ऑफिस स्पेस में। 2022 के दौरान वेयर हाउसिंग असेट क्लास में सबसे अधिक 45% ग्रोथ। शहरों के आधार पर निजी निवेशकों की पहली पसंद बना मुंबई। 2022 के कुल निवेश में सबसे अधिक 41% निवेश मुंबई रीजन में। हालांकि सालाना आधार पर पीई निवेश में 17% की गिरावट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में लिस्टेड डेवलपर्स की कर्ज लागत घटकर हुई 8.14%। ये लागत वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में थी 9.64%। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बावजूद भी महामारी के बाद लगातार घटी लिस्टेड डेवलपर्स की कर्ज लागत। पैंडेमिक से पहले के मुकाबले घटी कर्ज लागत। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में शुद्ध कर्ज 20,000 करोड़ रुपए कम हुआ। लिस्टेड डेवलपर्स की बिक्री में भी लगातार इजाफा जारी। वित्त वर्ष 2022 में 57 मिलियन वर्ग फीट की बिक्री। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट में खुलासा। पश्चिम बंगाल में घर खरीदार भगवान भरोसे, 5 साल बाद भी नहीं लागू हो पाया रेरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कछुए की चाल से हो रही रेरा लागू करने की प्रक्रिया। शाहपुरजी पालोनजी के प्रोजेक्ट सुखोवृष्टि में देरी की दिक्कतों से जूझ रहे घर खरीदार और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। बुलेट पॉइंट के बाद अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। देश में 1 मई 2017 से रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी अस्तित्व में है, लेकिन आज करीब 6 साल बाद भी देश भर में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। कई राज्यों में अब तक ये नोटिफाई ही नहीं हुआ है। जहां नोटिफाई है तो वहां एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जहां एस्टैब्लिश है तो वहां अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। जहां अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो वहां पर वेब पोर्टल नहीं है, और जहां पर वेब पोर्टल है वहां पर एजुकेटिंग ऑफिसर नहीं है। यानी अक्टूबर में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूर्ण और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर देश के कुल 23 राज्य ऐसे हैं जिनमें रेरा पूरी तरह से लागू है। बाकी राज्य भी आधी अधूरी फॉर्मेलिटीज के साथ काम कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसी लापरवाही या बेपरवाही क्यों है? होम बायर्स की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई राज्यों में राजनीतिक कारण रेरा को लागू होने में अड़चन पैदा जरूर कर रहे हैं। ऐसा ही एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पर हम कई बार बात कर चुके हैं, जहां रेरा लागू करने के लिए घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन उसके भी करीब 1.5 साल बाद तक रेरा का अता पता नहीं है। खबर मिल रही है कि यहां रेरा में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। वेब पोर्टल जरूर दिख रहा है, लेकिन जब आप उस वेब पोर्टल पर जाकर क्लिक करते हैं तो आपको कमिंग सून का स्टिकर नजर आता है। इस बीच होम बायर्स भटक रहे हैं। डेवलपर्स की मौज है, क्योंकि उन पर लगाम कसने के लिए ना रेरा है ना हीरा है। मौजूदा समस्या क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं 3 मेहमान। अभय उपाध्याय हमारे साथ, प्रेसिडेंट एफपीसी, और राजेंद्र कुकड़ा है हमारे साथ, लीगल एक्सपर्ट, और हमारे साथ जुड़े हैं गगन पाल सिंह जो कि एक घर खरीदार हैं, कोलकाता के एक प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले गगन आपके पास ही आते हैं, जो एक सामान्य घर खरीदार हैं। इन्होंने हमें संपर्क किया, इन्होंने कोलकाता के एक प्रोजेक्ट में घर लिया था। इस प्रोजेक्ट को शाहपुरजी पालोनजी कंपनी बना रही है, उसी प्रोजेक्ट में ये फंसे हुए हैं। अब किधर जाएं इनको समझ में नहीं आ रहा है। गगन जी आप ही बताइए, आखिर मामला क्या है और आपने कहाँ कहाँ शिकायतें की? सर ऐसा कि मैंने 2016 में इस प्रोजेक्ट में आपका पैसा लगाया था सर, शाहपुरजी पालोनजी में। ये थ्रू आया, लॉटरी के थ्रू सर हुआ था। एंड सर मेरा था फेज 7 में आके, आई थिंक मैंने सुना था कि फेज 4 तक डिलीवरी उस समय तक हो चुकी थी। देन फेज 5 के बाद से सर हैंडओवर किसी को पोजीशन अभी तक शायद नहीं हुआ था, तब तक जब तक मैंने अप्लाई किया था। एंड अभी तक भी मैंने जो सुना है सर, अभी तक भी शायद उतना हुआ है कि नहीं उतना मुझे आइडिया उतना सर अभी नहीं। बट सर मेरा ऐसा था कि उन्होंने मुझसे 2017 में ही मैक्सिमम पेमेंट सर ले लिया था, और उसके बाद से सर उन्होंने कहा था कि आपका जो एज पर एग्रीमेंट 24 से 30 मंथ्स में आपको सर पोजीशन मिल जाएगा। बट सर वो डेट पार होने के बाद भी जब से मैं उनको कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, उनका सर कहना है कि आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको मिल जाएगा, धैर्य रखिए, बस यही कहना उनका सर अभी तक। बट कब होगा सर उनका कुछ ये बताने का ये कुछ नहीं है कि कौन से रेट में मुझे दिया जाएगा।
अबे सर, देश में रेरा लागू होने से अब तक हजारों होम बायर्स की आप आवाज बने हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में रेरा लागू होने को लेकर क्या अपडेट्स हैं, और जब एक्ट बन चुका है, सब दुविधाएं दूर हो चुकी हैं, फिर क्यों राज्यों में रेरा लागू करने को लेकर उदासीनता बनी हुई है? क्यों गगन जी जैसे होम बायर्स को अब भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं? दीपक जी, आपने एक बारे में कई सारे सवाल पूछ दिए। पहले तो आप हैं वेस्ट बंगाल पे, चूंकि अपना सब्जेक्ट मैटर है, तो वेस्ट बंगाल में जैसा आपको पता होगा सब जगह पे रेरा आ गया, और वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया कि वो अपना एक नया अपना स्टेट का कानून लेके आएंगे, WB हीरा हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया था, और पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। मई से लेकर के अभी तक लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में हम लोग ये उम्मीद करते थे कि रेरा नया पूरी तरह से बन जाएगा और उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, लोगों की सुनवाई होगी, लोग अपनी कंप्लेन डाल सकेंगे, नए जो प्रोजेक्ट खरीदार हैं वो अपनी अपना डिटेल्स जो है प्रोजेक्ट के डिटेल्स को चेक कर पाएंगे वहां पे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो है इस पूरी तरह से रेरा बंगाल में फंक्शनल नहीं हो पाया है। जरूर रेरा के रूल्स जो थे वो लागू कर दिए गए, रेरा के अब जो है रिसेंटली रेरा के जो मतलब चेयरपर्सन हैं, दो मेंबर हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी वेब पोर्टल जो है जैसा कि आपने बताया अभी चालू नहीं है, और जब तक वेब पोर्टल चालू नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि रेरा फंक्शनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉज लिस्ट कहाँ पे होगी, रजिस्ट्रेशन लोग कहाँ पे देखेंगे, ऑर्डर कहाँ पे पब्लिश होगा, ये कोई वैसी बात तो पर्सनल चीजें तो है नहीं कि आप जाके कान में बोल देंगे किसी को, मेरा केस सुनवाई कर लीजिए जी, या मेरा ऑर्डर कान में दे दीजिए। देश में इस तरह का कानून तो चलता नहीं है, तो जब तक पोर्टल नहीं होता है तब तक सुचारू रूप से या प्रैक्टिकली रेरा का पूरी तरह से चलना संभव नहीं है। तो अब सवाल ये जरूर आता है कि 1.5 साल क्यों लगेंगे, अगर अथॉरिटी अपॉइंटमेंट भी हो गया था उसके बाद आपका पोर्टल तो जिस दिन आपको पता चला कि रेरा हीरा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, उसी दिन आपको लग जाना चाहिए था, और ये 3 महीना 4 महीना 5 महीना में पोर्टल बन जाते हैं, तो 1.5 साल में पोर्टल नहीं बना। तो एक 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 स्टेप में अगर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 6-6 महीना 1.5-1.5 साल 1-1 साल लें, तो शायद रेरा पूरी तरह से चालू होने में तो फिर कितने साल या कितने दिन लगेंगे, ये तो कोई पूर्वानुमान ही नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और ये आप समझ ही सकते हैं इसका फायदा किसको हो रहा होगा, जो बिल्डर यहाँ पे धड़ल्ले से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि उसमें क्या लोगों को बोल रहे हैं और क्या दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फायदा इसका उनको मिल रहा है, और जो घर खरीदार है वो इधर उधर धक्के खा रहा है। मेरा अगला सवाल राजेंद्र जी आपसे होगा, आपसे समझना चाहेंगे कि देश में रियल एस्टेट को लेकर जब राष्ट्रीय कानून है, राज्यों ने अगर उसे कानून को लागू नहीं किया है तो उसमें घर खरीदार की फिर क्या गलती है? ऐसे में अगर उनका निवेश फंसता है, दिक्कतें होती हैं, तो कहाँ जाएं वो लोग? देखिए दीपक जी, गगन जी को भी सुना, कंप्लेन भी सुनी, कंप्लेन ये कोई नहीं तो है नहीं, ठीक है, इसके लिए बहुत सी कोर्ट्स में मैटर गए, अल्टीमेटली सुप्रीम, एक्चुअली टुडे वी टॉक, अपन आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप उसको रेरा को वहां चालू करिए, ऑन पेपर सब चीज हो जाए और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कंज्यूमर को फायदा नहीं होता है। अब आते हैं कि अगर कंज्यूमर इन चीजों के अंदर फंस जाता है तो क्या रेमेडी उनके पास में है? जो पुराना आप देखिए, जैसे आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, वो नॉर्मली पुरानी रेमेडी है, सब जाते हैं, टाइम जाता है उसके अंदर, एडवोकेट्स एंगेज करते हैं, कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसको लिटिगेशन फाइट करना पड़ता है, तो रेमेडी तो वहां पे है, लेकिन सफलता असफलता बहुत दिनों के बाद में मिलती है, ये तो आपकी सिविल रेमेडी हो जाती है। अब जो आप देखेंगे जैसे रेरा लगने के कारण अगर ट्रिब्यूनल होता है तो फास्ट रेमेडी फास्ट रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं, तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से अगर पूरे पेपर पढ़ के देखा जाए तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेरा एस्टेब्लिशमेंट को चालू करने के लिए एक पिटीशन लगा सकते हैं पुराने मैटर में जिसमें ये ऑर्डर पास हुआ है कि आपके ऑर्डर के बाद भी रेरा अभी पेपर पे है, प्रैक्टिकल वर्किंग चालू नहीं हुआ है, तो एक रेमेडी तो वो हो सकती है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है तो डेफिनेटली उसका वेटेज रहता है। दूसरा, कंज्यूमर कोर्ट का बोल ही दिया है, अब आप ये रेमेडी आ जाती है सिविल, अब आप बिल्डर और इन्वेस्टर के एग्रीमेंट को देखेंगे तो उसमें नॉर्मली वो आर्बिट्रेशन का देते हैं, अगर आप सिविल के अंदर जाते हैं तो वो आपको बोलेंगे आर्बिट्रेशन में जाइए, वो एक लंबा रूट रहता है। इन सब रेमेडी को एक ऐसा विषय बन गया है
जिसमें भविष्य को तकलीफ, एक नया कोई मैकेनिज्म आना चाहिए। वेस्ट बंगाल में अगर रेरा का एस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिकली चालू होता है तो कुछ हद तक जल्दी रेमेडी मिलेगी। दूसरा, अगर आप एनसीएलटी का प्रोविजन देखें, होम बायर में मेजोरिटी चाहिए। अब जैसे अपने कंप्लेंट है, आप कितने कंप्लेनेंट को आप साथ में लेके आएंगे? तो ये अगर आप लीगल लीगल प्रोसेस को देखेंगे तो एक मेजोरिटी ऑफ कंप्लेनेंट अगर होम बायर साथ में रहते हैं तो एक बात अलग है कि एनसीएलटी में जाके आप प्रोसीड कर सकते हो, सब होता है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट, सिविल कोर्ट, आर्बिट्रेशन, ये सब चीजें लंबी लड़ाई है। अगर रेरा एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो ये टाइमली और स्पेसिफिक है, तो वो जल्दी रेमेडी मिलेगी। और उससे डरते भी हैं क्योंकि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन करना चाहिए कि भाई आपका ऑर्डर हो गया, अभी तक नहीं हुआ तो आप डायरेक्शन दीजिए। ठीक बात, ये बेस्ट रेमेडी रहेगी, अदरवाइज तो क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं, पर अननेसेसरी एक लिटिगेशन और कस्टमर पर रहता है वो। गगन जी मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने अपनी तरफ से सारे पेमेंट कर दिए हैं क्या? कोई ड्यूज आप पर तो नहीं है? दूसरा, शाहपुर जी पालोन जी ने कब आपको डिलीवरी का आश्वासन दिया था? प्रोजेक्ट कितना पीछे चल रहा है अपनी तय डिलीवरी डेट से? सर जहाँ तक पेमेंट की बात है, उन्होंने जैसा पेमेंट कहा था मैंने सब पेमेंट सर कर दिए। उसके पास मेरे पास सारा कुछ प्रूफ भी है, क्योंकि तो पेमेंट वाया एचडीएफसी बैंक थ्रू से हुआ था सर। एंड इसके बाद सर उनकी जो डिलीवरी की डेट थी सर, एज पर एग्रीमेंट उन्होंने लिखा था जब से मुझे अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उससे 24 से 30 मंथ्स, दैट मीन्स मुझे लेटर सर मिला था दिसंबर 2016 में। एंड सर वो पीरियड ओवर होता है दिसंबर 2018 या जून 2019 में। बिल्कुल, समस्या है कि अगर आपको कंपनी 2019 में डिलीवरी का वादा करती है और आज 2022 तक भी डिलीवरी नहीं कर पाई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमने शाहपुर जी पालून जी से संपर्क किया था, उनसे पैनल पर आने का आग्रह भी किया था ताकि कंपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सके। हालांकि उन्होंने अपना जवाब हमें ईमेल किया है जिसे आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। दरअसल बड़ी समस्या यही है कि जिस मुद्दे पर कंपनियों को बोलना चाहिए वहाँ कंपनियाँ मुँह चुराती हैं और हर बार फंसता आम घर खरीदार है। तो चर्चा जारी रखेंगे लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर गगन जी जैसे अकेले ग्राहक नहीं हैं, अभी भी देश भर में तमाम ऐसे ग्राहक हैं जो रेरा के आने के बाद जहाँ पर पूरी तरह से रेरा लागू है वहाँ पर भी वो फंसे हुए हैं, तो उनके पास रास्ता क्या है, विकल्प क्या है, क्यों हम तेज एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तेज न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम मुद्दे की। रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाने के लिए रेरा जरूर आया है लेकिन अभी भी रेरा पूरी तरह से देश में लागू नहीं हो पाया है, और कई तो ऐसे राज्य हैं जो राजनीतिक कारणों से रेरा को लागू नहीं कर पाए हैं। आखिर इसके पीछे समस्याएं क्या हैं, और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभय सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिन राज्यों में राजनीतिक समस्या है वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन कुछ पूर्ण राज्य हैं जहां स्थिर सरकार है तो फिर वहां क्या दिक्कतें हो सकती हैं? मसलन नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, लद्दाख हैं, जम्मू कश्मीर है, साथ ही वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो रेरा पूरी तरह से एक्टिव होने में यहां कितना समय लगेगा? दीपक जी, मेरे को लगता है मैं आपने जो लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बात किया, देखिए असम में तो रेरा फंक्शनल है और उसके मेंबर जब हम लोग लास्ट मीटिंग में थे तो वो थे, उनसे बात भी हो रही थी, वहां पे काफी काम भी हो रहा है। और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, देखिए उसमें वो लैंड वगैरह को लेके थोड़े इश्यूज थे, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार किसी को नहीं मानता, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़े डिफरेंट टाइप के इश्यूज हैं जिसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और मेरे को लगता है कि हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में रेरा ऑलरेडी आ गया है, अपॉइंटमेंट भी हो गया है, और आपको मालूम है 370 के पहले वहां पे हो नहीं सकता था, उसके बाद से शुरू है वहां पे कार्यक्रम, ये पूरा प्रोसेस जो है जारी है। सवाल यहाँ पे जो आपने उठाया और जो मेन सवाल है कि क्या जहाँ पे स्थिर सरकारें हैं, क्या जहाँ पे पूरी तरह से रेरा हम लोग ये समझ रहे हैं कि लागू हो गया है, वहां पे रेरा का पूर्ण जो हम लोग को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला? और इसका मैं उत्तर आपको अगर सीधे तरीके से दूं तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एकदम से रेरा कोई काम नहीं किया, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि रेरा डिरेल जरूर हुआ,
कुछ जो रेरा के हमारे जो चेयरमैन आए, फर्स्ट जो चेयरमैन अपॉइंट होकर के आए और जो काफी हाई प्रोफाइल है, उन लोगों ने पूरा रेरा को डीरेल कर दिया। रेरा का जो रेगुलेशन पार्ट था उसमें ध्यान ही नहीं दिया, जबकि पूरी गंदगी वहां पे थी, और सीधे वो डेवलपमेंट के चक्कर में चले गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि जब तक हम रेरा को रेगुलेट ठीक से नहीं करेंगे, रेगुलेट ठीक से होगा लोगों का विश्वास पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं। लोग घर तो बुनियादी रोटी कपड़ा और मकान में आता है, तो ये बुनियादी चीज है, इसका अपने आप लोग डिमांड करेंगे और आपको बेचने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेवलपमेंट लोगों ने ध्यान दिया, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है, काफी लोग जो रेरा के पास जा रहे हैं उसमें काफी लोग आपको अनसेटिस्फाइड दिखते हैं। और मेरे को तो ये भी शिकायत मिलती है कि भाई वहां पे तो बिल्डर को फेवर किया जाता है, लोग हमको डराते हैं, लोग कहते हैं ऐसा कर दो नहीं तो ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे। कई जगह के पे ऑर्डर ऐसा पास कर देते हैं जहां पे कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं, बोले कॉम्पनसेशन देने से प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, मतलब काफी तरह की दिक्कतें वहां पे आई हैं। उसके बाद रेरा कहीं भी प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं ले रहा है। पूरे इंडिया से ये खबर आ रही है दीपक जी, इस पे आप स्टोरी कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट लोगों को हैंड ओवर कर दिए जा रहे हैं। तो रेरा किस लिए है? अगर ये काम आप नहीं देखेंगे तो आपको खुद देखना चाहिए, स्वतः देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरा घर बना के मैं अपने घर का पोजिशन ले लेता हूं तो फिर मेरे इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, और मेरा जो कॉमन एरियाज है, जो फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, वो बिल्डर बनाने की मैंने बनाता ही नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देता है। और फिर बाद में पता लगता है कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज या RW है, उसको ले लेते हैं और वो लोग उसको परेशान लेते हैं, उसको खरीद वो काफी जगह पे आप देखेंगे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं की जा रही है। तो मैं रेरा से बहुत दुखी हूं कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे इसका निवारण अब तक तो हो जाना चाहिए था, किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है, बार बार हर फोरम पे ये बात उठाई जा रही है, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेलियर है। राजेंद्र सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि रेरा में 60 दिनों में फैसला आने की बात कही गई है, जहां पूरी तरह से रेरा लागू है वहां ही 60-60 दिनों में तो तारीख मिलती है, 60 दिन का तो अंतर होता है तारीख में, फैसलों को तो साल लग जाते हैं, लेकिन जहां रेरा आधा अधूरा लागू हुआ है उन राज्यों में हालात और भी बुरे हैं, वहां के घर खरीदारों के पास कोई दूसरा विकल्प है या फिर भगवान भरोसे हैं वो सब? नहीं वैसा नहीं, देखिए लोग प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, आप देखिए जैसे रेमेडी आप देखेंगे कंज्यूमर कोर्ट है, सिविल है, आर्बिट्रेशन है, NCLT है, रेरा है, ये सब रेमेडी है, लेकिन किस केस में कौन सा फिट होता है वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक रेमेडी ले लेते हैं और वो चलती ही रहती है तो क्या एडवांटेज मिलता है? मैं जैसे आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं वो 5-5 साल तक मैटर चलता है, क्या रेमेडी? आप अगर दूसरी जगह देखेंगे, आप जैसे रेरा में चले गए, अब जैसे आपने सही बोला है कि 60-60 दिन तक डेट नहीं मिलती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसके बाद में 1-1.5 साल तक वो चीजें आपके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगता है। तो इन इन सब लीगल रेमेडी को एक मैकेनिज्म टू बी फ्रेंक ऑल ओवर इंडिया में बनाना बहुत जरूरी है सेंट्रल के हिसाब से, कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन की इसके बाद आपको करना ही पड़ेगा। जैसे रेरा, आप अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका दूसरा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। अगर इस तरह की एक मैंडेटरी कंडीशंस रखी जाएगी तो डेफिनेटली डेफिनेटली होम बायर को फायदा होगा, अदरवाइज जो रेमेडी अभी तक अवेलेबल है उसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है, ऑर्डर आने के बाद भी उस फाइनलिटी पे पहुंचने में जब तक कंज्यूमर बहुत टूट चुका होता है, उसको जो जब रेमेडी मिलती है वो रेमेडी ऑन पेपर रहती है, जो रियल एडवांटेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश में रेरा के नाम पर रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाने की बात हुई थी तो कितना पारदर्शी हुआ, जब देश के कई राज्य रेरा पूरी तरह से एक्टिव ही नहीं कर पाए हैं, लागू ही नहीं कर पाए हैं, तो इसे रेरा की सफलता कहेंगे या फिर असफलता कहेंगे? जहां रेरा मुस्तैद है, जल्दी ऑर्डर आ भी रहे हैं, वहां भी डेवलपर्स मान नहीं रहे हैं, तो फिर क्या इसे ढाक के तीन पात हम ये नहीं कह सकते कि जहां हम रेरा से पहले थे उसी स्थिति में फिर आ चुके हैं? हम आपको एक बात साफ कर दें कि रेरा से कई ऐसे आदेश भी आए हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नजीर बने हैं, लेकिन क्यों रेरा में सीबी वाली ताकत नजर नहीं आती है, वो भी सोचने वाली बात है। आज हमारे पैनल पर गगनपाल सिंह जी जैसे ग्राहक अकेले जरूर हैं, लेकिन पूरे देश में गगनपाल जी जैसे तमाम घर खरीदार हैं जो घर खरीद कर पैसा फंसा कर रेरा आने के बाद भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। इसके अलावा हम शाहपुर जी पालो जी जैसी नामचीन कंपनियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग अगर 100 प्रोजेक्ट अच्छे बना रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं दिक्कतें हैं तो उन पर भी तो खुलकर बात करिए, कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच से मत भागिए, क्योंकि आपका भी रवैया या अगर मनमाना हो जाएगा तो आम घर खरीदार फिर किस पर विश्वास करे, कहां जाए, यह बड़ा सवाल है। बहरहाल आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। अभय जी, राजेंद्र जी और गगन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे पर।
लेकिन बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।